आप देख रहे हैं अपना समाचार। माध्यम से अपनी शुभकामना देना चाहता हूं। मकर संक्रांत कल है, मकर संक्रांत की शुभेच्छा देते हुए ये जायसवाल समाज इस मुंबई में, इस महाराष्ट्र में हर जगह है।
कोई जगह बची नहीं जहाँ पे ना हो। अग्रवाल समाज, जायसवाल समाज, गुप्ता समाज, ये जहाँ भी जाते हैं अपनी जगह बना लेते हैं। इनको बैठने की जगह मिल जाए तो सोने की जगह अपने आप बना लेंगे, कब्जा करके नहीं, मेहनत करके, पैसा कमा के। और आज इस समाज के कोई ऐसी ऊंचाई न हो जिनको न मिली हो। मैं आपके माध्यम से भी कहूँगा कि चंद्रयान 3 जैसी ऊंचाई इस जायसवाल समाज को मिले, क्योंकि जायसवाल समाज बढ़ेगा ये हमारा देश का, हमारा भारत के होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस ढंग से सारे समाज का एक मतलब योजना बना के चल रहे हैं, सारे लोगों ने आप देखा पूरा देश राममय हो गया है। अब प्रभु रामचंद्र के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि जायसवाल समाज भी चंद्रयान 3 जैसी ऊंचाई अपने क्षेत्र पर। 22 तारीख को बहुत बड़ा पर्व होने जा रहा है हमारे देश में, क्या कहना चाहेंगे सर? आज़ादी के बाद इससे बड़ा पर्व कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ये पर्व जो है लोग रोज इंतजार करते हैं, सुबह 22 हो जाए, सुबह 22 हो जाए, 22 हो जाए। सर, कुछ लोग इस पर्व को भी निमंत्रण को ठुकरा दिए। भगवान राम को अहंकार का ज्ञान था, रावण को ज्ञान का अहंकार था। रावण बड़ा विद्वान था, ये महत्वपूर्ण नहीं है एक विद्वान रावण कैसे हो सकता है। बड़ी नेता ने दिखा दे दिया, और हमें देते रहे ताकि ये प्रोग्राम और अच्छा बनते जाए अगले साल, और इससे बढ़िया प्रोग्राम हो। और मेरी इच्छा है और मैं सब कुछ मेरे साथ कहना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को इसी तरह से प्रेरणा मिलती रहे। और देखिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल JYF की तरफ से बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। आज तक जितने भी वेबसाइट है वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रजिस्टर करने के बाद एक फ़ीस देना पड़ता था, कि हम लोगों ने जायसवाल समाज के लिए अपना एक वेबसाइट बनाया है जहाँ पे जितने भी युवक युवती है उनका सारा डिटेल वहाँ पे रखा होगा। जिस भी पेरेंट्स को उसको एक्सेस करना है वो जाके डायरेक्टली एक्सेस करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा, और अपना बायोडाटा अपडेट भी कर सकता है। रीज़न ये था कि हमें किसी भी तरह से पैसे के लिए नहीं करना था, एक चैरिटी वर्क करना था, इसलिए हमने अपनी वेबसाइट को फ्री लॉन्च किया है। और ये आने वाले दिनों में इसका बहुत ही बेनिफिट जो है समाज को होगा। बिजनेस टू बिजनेस भी हमने लॉन्च किया है, जिसमें जायसवाल समाज के जितने लोग का व्यापार है उसमें पूरा डेटा आएगा, तो बिजनेस टू बिजनेस हम लोग इसे बिजनेस कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा हमने कैरियर काउंसलिंग भी किया है उसी में, और जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनका पूरा सिस्टम में अपडेट होगा। संख्या में लोग आए हैं यहाँ पर, पूरा सपोर्ट मिला है, क्या कहना चाहिए? सर, हम लोगों की कोशिश थी आज कई सालों से कि समाज के लिए जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स हैं हर परिवार में, समाज के बच्चों के लिए हर तरह के जो भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम के प्लेटफॉर्म हम लोग खड़े कर रहे हैं। एक बात हो गई, भैया ने बताया, एक बात हो गई, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें। मैंने परसों भी आपसे कहा था कि 17 तारीख को कोई बच्चा हमारे घर का जॉबलेस नहीं रहे, कोई जॉबलेस नहीं होगा। उसके लिए 2500 कंपनियां हमारी थी आज, और जिन्होंने जॉब फेयर के लिए हम सब लोगों को सपोर्ट किया है, सभी जितने भी हमारे बच्चे थे परिवार समाज के, सभी लोगों ने अप्लाई किया, सभी लोग आज इंटरव्यू दिए कल, और लगभग कल या परसों में सभी के अपॉइंटमेंट लेटर रेडी हो जाएंगे, सभी अपने अपने जॉब पर होंगे। सेकेंडली, आपने देखा आज कि जो हम लोगों ने परिचय सम्मेलन रखा, हमने कभी सोचा नहीं था आज करीबन हमारे 350 के आसपास की एंट्री है, और हर बच्चों को उस प्लेटफॉर्म पे लाकर सभी से, सभी के बारे में सबका परिचय करके, हमारी कोशिश है कि समाज के हर बच्चों को ये भी प्लेटफॉर्म मिले कि जहाँ से उनका भविष्य साकार हो। क्योंकि हमारा तो इनिशिएटिव करंट ये है कि हमारे जायसवाल का कोई भी बच्चा जॉबलेस न रहे, उस कहीं से कहीं 15 से 20 हज़ार की जो सैलरी रेंज से कम अपनी एक करियर चालू कर सके और कहीं ना कहीं को बिजी रहे, उसको देखते हुए हमने एक इनिशिएटिव चालू किया है। और आने वाले दिनों में रखेंगे कि हर घर जाके पूछेंगे, भाई आपके घर कोई ऐसा लड़का है जो जॉबलेस है, उसके लिए हम आपके लिए काम पे ला रहे हैं, आप उसको काम पे भेजिए। और ये इनिशिएटिव फिलहाल हम जायसवाल समाज के लिए कर रहे हैं। हमारे लगभग 5 से 7 लाख जायसवाल मुंबई में रहते हैं, ये इनिशिएटिव फिलहाल वहाँ पर रन कर रहे हैं। सर, मेट्रोपॉलिस साइट भी आप लोगों ने लॉन्च किया, उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे आप लोग डेटा फीड करेंगे, कैसे बायोडाटा आप लोग कलेक्ट करेंगे? इसमें हमने एक गूगल फॉर्म बनाया है जिसमें ऑनलाइन पूरा डेटा आप एंट्री सामने वाले करेंगे, उसमें फोटो भी अटैच करेंगे, और वही सेम डेटा हम इसको यस ताकि जो कहीं पर भी हमारा कुछ गलती ना हो, जो आपने दिया और हमने उसको फिट करके और उसको प्रॉपर बना के देंगे। उसमें कॉन्टैक्ट नंबर, उसमें क्या पढ़ाई किए हैं, क्या सैलरी है, A to Z रहेगा।
उसमें मतलब सामने वाले को कभी पूछने का और कांटेक्ट नंबर उनके पेरेंट्स को कभी दे देंगे ताकि आप डायरेक्ट संपर्क पेरेंट्स डायरेक्टली एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब बीच में हम लोग मीडिएटर नहीं रहेंगे। ये नहीं है, वो नहीं होगा कि कोई चार्जेस है, जैसे भैया ने बताया फ्री चार्जेस, फ्री तो फ्री है। सर आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, इतनी भारी संख्या में लोग आए, कुछ लोग अभी जुड़ नहीं पाए आप लोगों से, उनके लिए क्या मैसेज होगा जो जयसवाल परिवार के लोग हैं? भैया मैं तो उनके लिए यही कहूंगा, जय श्री राम, राम का नाम लेके सब लोग जुड़िए, इससे अच्छा क्या मौका है, 22 तारीख को राम का नाम लेके आइए हमारे साथ। आज कुछ लोग जो नहीं जुड़े हैं, इतना बड़ा फंक्शन किया, वो जुड़ेंगे तो और बड़ा फंक्शन करेंगे, जो साथ में आएगा सब कल। हम तो यही बोलते हैं, हम चले थे इस गमो चमन में अकेले, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया, हमारा कारवा अभी भी चला है, लोग आते जाए, कारवा और बड़ा होता जाएगा, हम तो वेट कर रहे हैं लोग मिले। और भैया आप बताइए, भैया का बहुत दिन से इच्छा था कि एक ऐसा फंक्शन हो जिसमें सारी मुंबई की सारी संस्थाएं मिलकर काम करें, बहुत इच्छा था उनका कि सबको कंबाइन करके लेके चले। भैया ये तो आपने अभी एक चीज पूछी, ये चीज आपको पता नहीं है कि समाज में सबसे बड़ी जो तकलीफ है, हर घर में आपसी मतभेद, वैचारिक मतभेद, लड़ाई झगड़े, भाई भाई में, भाई बहन में, माँ बाप के साथ, हम सब इसका भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म ओपन करने जा रहे हैं कि हर घर के जितने परिवार के, हमारे समाज के परिवार के जितने भी लोग हैं, सबके यहाँ एक दूसरे के साथ जुड़कर एक आइडेंटिफाई करना कि वहाँ क्या समस्या है, किस तकलीफ से जूझ रहा है वो इंसान, किस प्रॉब्लम से, उसको हम धीरे 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 वो भी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पर सभी संस्थाओं को लेके हर परिवार की तकलीफों को हम सब रिजॉल्व कर सकें, और उसके लिए हमारे पास हमारी ताकत है, वो दैट इज मिस्टर राजदीप जी गुप्ता, जो हमें जिन्होंने हिम्मत दी, जिनकी वजह से हम सब आगे कर पा रहे हैं और आगे करेंगे, दुनिया देखती रहेगी, कोई दो राय नहीं।